हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंघल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की। आज यानी 3 अप्रैल के बाजार की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ओपन हुआ 8356 पर, और उसके बाद निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, जिसकी वजह से निफ्टी 8056 तक के लेवल तक चला गया और फाइनली निफ्टी ने 8083 की क्लोजिंग दी। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगले सप्ताह में ट्रेडिंग वीक थोड़ा छोटा है, क्योंकि सोमवार को महावीर जयंती की वजह से छुट्टी है और फ्राइडे को गुड फ्राइडे की वजह से छुट्टी है, तो केवल 3 दिन ही ट्रेडिंग डे रहेंगे। तो यानी इफेक्टिवली मार्केट अब ट्यूजडे को खुलेगा, यानी कि 7 अप्रैल को। कोरोना वायरस भी यूएस, यूरोप और इंडिया में भी अब धीरे धीरे काफ़ी पैर पसार रहा है। ग्लोबली 11 लाख से ज़्यादा कंफर्म केसेस हो चुके हैं और 64,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। तो देखना होगा कि कोरोना वायरस का कैसे अगले वीक में किस तरह का इफेक्ट रहता है, और ये मार्केट में वीकनेस तब तक बनी रहेगी जब तक कहीं कोई मेडिसिन कोरोना वायरस को लेके या कहीं कोई पॉजिटिव न्यूज कोरोना वायरस को लेके नहीं आती है। तो अगर ट्यूजडे 7 अप्रैल के लिए बात करें तो निफ्टी 8300 से 8000 तक की रेंज में रह सकता है। अगर 8000 का लेवल तोड़ देता है तो एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी, और हमारा व्यू है कि हर एक चढ़ाव पर आपको बेचना चाहिए जब तक कि कोई अच्छी खबर कोरोना वायरस को लेकर नहीं आ जाती। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ 18325 पर, और उसके बाद उसमें भी वही प्रॉफिट बुकिंग आई और 17143 तक के लेवल छुए बैंक निफ्टी ने नीचे में, और 17249 पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। और बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। कल यानी 7 अप्रैल के लिए बात करें तो बैंक निफ्टी में भी फिर वही वीकनेस देखी जा सकती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इससे और ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। तो बैंक निफ्टी 18000 से 16500 तक की रेंज में मूव कर सकता है। इसके साथ ही अब वक्त है स्टॉक्स पर सवाल लेने का अपने व्यूअर्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राहुल यादव का मार्क्सन्स फार्मा पर। इनके पास 2300 शेयर हैं 33.65 रुपये की रेट पर। तो ये पूछ रहे हैं कि 2 से 3 साल के लिए अगर मैं होल्ड करें तो क्या करें। तो टेक्निकली राहुल जी, ये स्टॉक जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 16 रुपये के आसपास, जो कि इसने 2 मार्च 2020 को तोड़ दिया था, और उसके बाद से लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। 24 मार्च 2020 को स्टॉक ने अपना 9.85 का लो लगाया, और उसके बाद अभी 15 रुपये के आसपास स्टॉक चल रहा है, और नियर टर्म में स्टॉक दोबारा से 10 से 11 रुपये के लेवल टच कर सकता है। तो उस टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी होगी तो आप बाई कर सकते हैं और अपने कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है स्टॉक को 2 से 3 साल के लिए होल्ड करें। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है पारुल अग्रवाल जी का SBI पर। तो SBI ने अभी 175 रुपये की क्लोजिंग दी है। SBI पर एक मेजर सपोर्ट है 150 रुपये का, ये बहुत मेजर सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक होता है तो क्लोजिंग बेस पर ब्रेक होता है तो हमें 120 रुपये तक के लेवल SBI में देखने को मिल सकते हैं आने वाले भविष्य में। हालांकि और स्टॉक पर एक मेजर रेजिस्टेंस है 230 रुपये का, अगर वो ब्रेक होता है तो हमें ऊपर में 300 रुपये तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। हालांकि बैंकिंग स्टॉक में कमजोरी जारी रहेगी तो अभी बैंकिंग स्टॉक से दूर रहने में ही समझदारी रहेगी। बाकी आपका अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक पर कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखें, हमें बताएं, तो हम अगले एपिसोड में उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।